और इसमें बर्बाद कौन हो रहा है? तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, क्योंकि सरकारी नौकरी का तैयारी यही लोग करते हैं। हम तो नहीं देखे किसी करोड़पति पिताजी का बेटा है जो कि बैठ के एसएससी का एग्जाम लिख रहा हो या रेलवे की तैयारी में लगा हो। हम तो नहीं देखे अंबानी जी का बेटा एसएससी का तो तैयारी नहीं करेगा, कॉमन सेंस है। कौन करता है ये सब का तैयारी? मिडिल क्लास और लोअर क्लास, और इसमें हम ही लोग, मतलब यही इसी तबके के लोग जो है वो सारे के सारे पिस रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राज और आज फुर्सत ज्ञान पर हम यही बात करेंगे कि किस प्रकार से एसएससी और रेलवे ने युवाओं का जीना हराम करके रख दिया है, डिप्रेशन का शिकार बना दिया पिछले 4 से 5 सालों में। देखिए, एक इंसान है, मान लेते हैं उसकी उम्र 24 या 23 बरस की है, क्योंकि इसी उम्र के लोग ज्यादातर सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे होते हैं। मान लीजिए उस इंसान ने एक फॉर्म भरा, एसएससी का हो या रेलवे का हो, तो जब उसने फॉर्म भरा तो उसको एक ये उम्मीद है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा होगा, और अगर वो एग्जाम क्रैक कर लेता है तो उसके हाथों में एक रिस्पेक्टेबल जॉब होगी और समाज में उसकी एक इज्जत होगी, ठीक है। लेकिन उसने फॉर्म तो भर दिया, अब उसके साथ हो क्या रहा है? जो प्रोसेस पूरा होने में 1.5 साल में वो पूरा हो जाना चाहिए था, 5 साल के बाद भी वो अटका पड़ा है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। अब एक बात बताइए कि ये जो 3 या 4 या 5 साल की जो देरी होती है, क्या इतने दिनों तक उस इंसान का उम्र रुका रहा क्या? नहीं, वो तो 24 से 28 का हो गया ना, वो तो 23 से 27 का हो गया ना, और जैसे ही वो 27 का हुआ, अब तो वो एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब तो वो बहुत सारे ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं जो कि 27 तक ही होता है जिनका की एज लिमिट, अब तो वो सारे फॉर्म नहीं भर पाएगा। बताइए उसकी क्या गलती थी? उसने तो पढ़ाई की, तैयारी की, एग्जाम लिखा और पता चला कि अब जो है वो किसी फॉर्म के लायक भी नहीं रहा। तो ये जो है ना सरकार का मास्टर स्ट्रोक, ये है कि रोजगार दिए बिना ही बेरोजगारी ये समाप्त करने के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि बताते हैं क्या, अब युवा का एज ही नहीं बचेगा तो वो रोजगार मांगेगा कैसे? आप 28 के हो गए भाई, आप एज लिमिट से वैसे भी बाहर हो गए, अब आप रोजगार मांगिएगा कैसे? तो ये बहुत सुंदर मास्टर स्ट्रोक है कि रोजगार जनरेट किए बिना ही बेरोजगारी भगा दो अपने देश से। काबिले तारीफ, ब्रिलियंट, हम तो कहेंगे ब्रिलियंट आइडिया। और कोई सवाल भी नहीं उठाता है इस पे, ना कोई सवाल पूछता है और ना ही कहीं से जवाब आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे देश में, जैसे कि विनोद, जैसे कि चने किसने, वो क्या चल रहा था अभी, कुकर में चने किसने चबा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे है भाई बात करने के लिए। ये सब छोटे मोटे मुद्दों पर कौन बात कर, या फिर प्रशांत भूषण को सजा दे देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचने वाली बात यह है कि जब प्रशांत भूषण को सजा देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट आनंद फानन में एक के बाद एक हियरिंग करते जाते, और 2017 सीजीएल का केस अभी से नहीं 17 से ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन किसी के खानों में जू नहीं रही है दोस्तों अभी तक। और अब बात हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। जी हाँ, मीडिया। यूं तो मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है दोस्तों, लेकिन आज के मीडिया को सरकार का दीमक चाटा ही नहीं है बल्कि अंदर तक खोखला भी कर चुका है। उसको पावर, उसको की पोजीशन और उसको सरकार में अपनी पहुंच बनाने का जो नशा होता है, इस प्रकार से अंधा कर चुका है कि अब हम और आप मीडिया से कोई उम्मीद रखें ये हमारी बेवकूफी है। हमारे नेता जब भी कभी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो बड़े गर्व से ये चीज कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, और बात भी सही है, हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या फायदा दोस्तों उस यूथ पॉपुलेशन का अगर वो युवा पीढ़ी जो है निकम्मी और बेरोजगार हो जाए? हाँ, अगर रोजगार के साधन ही नहीं मिलेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि भारत के डॉक्टर और इंजीनियर विदेशों में जा रहे हैं, भारत में नहीं रह रहे, क्यों रहेंगे वो? सही है, वो दूसरे जगह चले जा रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो चले जा रहे हैं। जो लोग भारत में रह रहे हैं, क्या उन्हें आप सही तरीके से रोजगार के अपॉर्चुनिटीज मुहैया करा पा रहे हैं क्या? नहीं करा पा रहे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, कड़वा है मगर सच यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा युवा को। युवा जिसे कि ऊर्जा से ओतप्रोत रहना चाहिए था, आज उसके चेहरे की जो चमक है वो चली गई है, वो डिप्रेशन में रहता है, उसे समाज के ताने, समाज और परिवार के सिर्फ ताने मिलते हैं, उसके जीवन से मतलब जो खुशहाली होता है वो चला गया है, और सिर्फ मतलब अब उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, रंगहीन जिंदगी हो गई है, डिप्रेशन का शिकार हो गया आज का युवा। तो अगर ऐसे युवा हमारे देश में भर जाए तो फिर क्या ही फायदा दुनिया की सबसे युवा मतलब युवा पॉपुलेशन होने के बाद भी हम उसका इस्तेमाल तो कर नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी हमारे सरकार को इस तरफ नजर डालनी होगी, जो कि अभी तक उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया नहीं कि ये कोई बड़ी समस्या है, अभी तक इस तरफ से वो नजर चुराते रहे। लेकिन कब तक चुराइएगा, ये समस्या बहुत बड़ी होते जा रही है, सरकार को ये चीज समझना होगा। तो ले दे के बात ये आती है कि समस्या क्या है, क्यों वो लोग इतने बड़े समस्या को अनदेखा कर रहे हैं? जो लोग पावर में बैठे हुए हैं क्या उन्हें ये बात पता नहीं है? सबको सब चीज पता है, वो भी इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा है, बिना उनके इशारे पे कुछ नहीं होता, ठीक है, पता सबको सब चीज है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये घमंड का नतीजा है।
एक घमंड होता है ना कि अरे यार कुछ नहीं होगा, चलो अरे ठीक है चलो। मेरा ये मानना है, आपका कुछ और मानना हो सकता है, क्योंकि और तो कोई कारण नहीं दिखता है कि लाखों लाख युवा की जिंदगी मतलब ऐसे दाव पे लगा के आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये घमंड ही है ना, और क्या है, और तो कुछ नहीं समझ में आता है। देखिए जब भी कोई क्रांति होती है ना, तो उसका ले दे के कारण यही होता है कि जो सत्तावादी लोग होते हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, वो अपने विलासिता भरी जीवन में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें आम आम जनता के दुख दर्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सामना नहीं हुआ ना, उनके बाल बच्चों पे कभी ऐसा कोई कष्ट आया नहीं, उन्हें मतलब नहीं है यार, उन्हें क्यों ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी टाइम यही हुआ था, जब भी कोई क्रांति होती है दोस्तों, तो उसमें ले दे के बेस कारण यही होता है। आज का डेट डिजिटल डेट है, अभी क्रांति गोली बंदूक से नहीं होगा, अभी हमें एक तो कोरोना है, हमें ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन हम सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डिजिटलाइज्ड रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, जो सत्ता में बैठे हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं कि देखो ये जो राज है ये किसी के पिताजी का नहीं है, ये लोकतंत्र है। ठीक है, और हम अगर सबसे युवा देश है तो हमारी पॉपुलेशन, युवा पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो हम अगर एक साथ आ गए तो इनको सुनना ही पड़ेगा यार, ये कब तक अनदेखा करेंगे, इलेक्शन आने वाला है भाई कुछ दिनों में। अरे आप ऐसे नहीं सुनिएगा, इलेक्शन बजी तो सुनना, इलेक्शन के टाइम तो सुनना होगा आपको, आपको सुनना पड़ेगा जनाब, और कोई चारा नहीं आपके पास, वरना बड़े से बड़े साम्राज्य यहां भारत में आए और उखाड़ के फेंक दिए गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले ले कि अब हम आ गए तो हम कहीं जाएंगे नहीं, नहीं, नेपोलियन बोनापार्टे नहीं टिका भाई, अरे आप हैं कौन। ठीक है, मतलब देखो सत्ता में हो तो काम करो, नहीं तो फिर छोड़ के चले जाओ, मेरा बस यही कहना है। आज के वीडियो में इतना ही, माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए तो, क्योंकि ये बात ही थोड़ी इमोशनल होने लायक थी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।